हनुमान जी पहले मुसलमान थे, किस सोच से कहा, क्या धारणा रही इसके पीछे और क्या तथ्य हैं इनके पीछे जो आपने कहे? देखिए जी, तत्व जो है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधे हैं तत्व है। हनुमान जी जो हैं वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान थे, और मुसलमान थे इसलिए जो मुसलमानों में नाम रखे जाते हैं, रहमान है, फुरखान है, ज़ीशान है, अरमान है, रेहान है, जितने भी नाम रखे जाते हैं पूरी लिस्ट है, कम से कम आपको दे देंगे 100 लोगों की, तो 100 मतलब कि नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे ही जो नाम रखे गए हैं वही आपको मिलेंगे। रहमान एंड सुल्तान, ये सब जितने भी नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे मिलेंगे, इसलिए हम समझते हैं कि वो मुसलमान थे। और हमारे हिंदू भाई को बता दिए, किसी के पास जैसे कि नाम नहीं मिलेगा, हनुमान जी का नाम जो है वो आप बता दिए किसी, मतलब हनुमान तो नाम रख सकते हैं लेकिन सुल्तान नहीं रख सकते, अरमान नहीं रख सकते, रहमान नहीं रख सकते, रमजान नहीं रख सकते, ये सब जो काफ़ी के नाम है जो हम लोग रखे हैं, तो उसी से मिलते जुलते आप मतलब अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हैं ना हनुमान जी के ऊपर, तो उस तरह के नाम जो है वो हमारे यहाँ मिलते हैं, और कम से कम आपको 100 नाम ऐसे मिलेंगे जो कि हनुमान जी के ऊपर रखे हुए, इसलिए वो मुसलमान थे।